श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सिलवासा के IQAC विभाग ने MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर एक दिवसीय सेमिनार का यशस्वी आयोजन किया। IQAC समन्वयक श्रीमती स्नेहल भटगांवकर ने प्रिंसिपल डॉक्टर अंबादास जाधव के मार्गदर्शन में सेमिनार का आयोजन किया। बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी अधिकार है जो औद्योगिक वैज्ञानिक साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। ये अधिकार उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए निश्चित समय सीमित अधिकार प्रदान करने रचनाकारों और बौद्धिक वस्तुओं और सेवाओं के अन्य उत्पादकों की सुरक्षा करते हैं। प्राचार्य डॉक्टर श्री अंबादास जाधव ने कार्यक्रम के लिए मेहमानों और दर्शकों का स्वागत किया और उन्होंने MSME संस्थान को भी श्रीमती देवकीबा कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए MOU का प्रस्ताव रखा। श्री अजीत यादव दादरा और नगर हवेली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने छात्रों को IPR के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने विचारों की रक्षा के लिए उपयुक्त माप ले सकें। श्री फतेह सिंह जी एम चौहान LCSCT के अध्यक्ष ने मुक्ति के बाद DNH में उद्योगों की स्थिति के बारे में बताते हुए छात्रों को अपना ब्रांड बनाने की व्यावसायिक बनने के लिए प्रेरित किया। श्री अनिल पांडे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ IPFC इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर अहमदाबाद प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने IPR पेटेंट के बारे में विवरण दिया, कैसे एक विचार को बौद्धिक संपदा में बदला जा सकता है, कैसे कॉपीराइट प्राप्त किया जा सकता और एक कैसे पेटेंट प्राप्त करके नवाचार को परिवर्तित कर सकता है। श्री भावेश मोटियानी MSME विकास संस्थान के सहायक निदेशक ने MSME मंत्रालय और इसके कार्य के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। इंफॉर्मेशन सर्विसेज सूरत के निदेशक श्री किरीट कुमार पटेल ने बताया कि क्या पेटेंट योग्य है और क्या पेटेंट योग्य नहीं है। श्री फतेह सिंह जी एम चौहान LCSCT के अध्यक्ष कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। श्री अजीत यादव दादरा और नगर हवेली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और FIS के फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के डॉक्टर RB शेल के सचिव भी सेमिनार के लिए उपस्थित थे। सचिव श्री देवदास भाई शाह, कोषाध्यक्ष श्री विश्वेश दवे, लायंस इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य श्री पी धनशेखरन, लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुश्री निशा पारेख भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। सेमिनार में IP अधिकारियों के बारे में कॉलेज के लगभग 200 छात्रों और शिक्षकों को प्रबुद्ध किया गया जो आज की दुनिया में एक जरूरी बन गए हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर तरफ से एक सेमिनार नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आपणे तो एक एक्ट के तहत दरेक पेटर्न ने रजिस्टर करवामां आवे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जेम के आपणे जाणीए छे, एक पेन थी लईने कोई मेडिसिन थी लईने गाड़ी थी लईने दरेकनी एक ब्रांड होय छे। अने जो कोई बीजो व्यक्ति आपणे जे ब्रांड के पेटर्न आपणे रजिस्टर करेली होय आ एक्टनी अंदर तेज प्रकारनो प्रोडक्ट के तेज प्रकारनी ब्रांड कोई बीजो व्यक्ति बनावा मांगे तो एना पर आ गुनो लागू पड़े छे। तो नाना उद्योगोने उत्तेजित करवा माटे तमारी पोतानी ब्रांड ने डेवलप करवा माटे ज्ञान ने वधारवा माटे लोकोमां अवेरनेस लावा माटे आ एक सेमिनारनुं आयोजन करेलुं छे। અને હવે પછી એક ટેકનિકલ સેશન ચાલુ થાય છે એટલે આપણને એક્ઝેક્ટ એના કન્ટેન્ટ ખબર પડશે। દાદરા નગરમાં આટલા બધા ઉદ્યોગ છે અને ઉદ્યોગ તરફથી બી આ પ્રદેશના વિકાસમાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપેલું છે। આજે 1.5 લાખ જેટલા લોકોને રોજગાર આપેલો છે તો ઇન્ડસ્ટ્રીના યોગદાનને પણ આપણે બિરદાવવું જોઈએ। અત્યારે અમે આ જ બધી વાતો ત્યાં કરીને આવ્યા છીએ જે તમે સાંભળી છે। મારું કહેવાનું એક જ છે કે જે નવા બાળકો સારું શિક્ષણ લઈને આગળ આવી રહ્યા છે એ પણ પોતાના ભવિષ્યમાં કોઈ મોટો ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે મનથી તૈયાર થાય તેના માટેનો એક ઉદ્દેશ। જૈસા કે આપ સબ જાણતે હૈ હમારે દાદરા નગર હવેલી મેં લગભગ 3000 કે આસપાસ ઇન્ડસ્ટ્રી હૈ ઉસમેં સે 70% આજ MSME કેટેગરી કો બિલોંગ કરતી હૈ। ઇસ તરહ કા જો પ્રોગ્રામ ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ કે ઉપર જો કિયા ગયા હૈ યે હમારે બચ્ચો મેં અવેરનેસ કે લિયે સાથ સાથ उनको आगे चल के फ्यूचर में कैसे उनको उद्योग में अपने आप को स्थापित करना है। एक जैसा कि आपने पूछा एक ब्रांड बनाना,
ब्रांड बनाने के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत, एक बहुत बड़ा तजुर्बा, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस लगता है और बहुत अच्छा टाइम लगता है, उसके बाद एक ब्रांड बनता है।